नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम देख रहे थे करंट अफेयर अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में हम दो सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, एक अपॉइंटमेंट और दूसरा अवार्ड। आज हम बुक एंड ऑथर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 बुक है। इसी बुक से मेनली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक वही होता है, एग्जाम में अक्सर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो बुक तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, बहुत लोग बुक लिखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी आज के इम्पोर्टेंट बुक है अप्रैल मंथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखते हैं। तो हम किताबें हम लिखक में देखें तो नाइफ, हारोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। हारोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच, किसका? ये सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी, और यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए सलमान रुश्दी हो गए, ठीक, आरबीआई गवर्नर हो गए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं यूपीपीएससी के हिसाब से, तो मोस्टली सब पूछ लेता है। तो नाइफ, केवल इसका कीवर्ड पकड़ करके नाइफ, सलमान रुश्दी, ठीक। नेक्स्ट सेकंड में बात करेंगे जस्ट अ मर्सिनरी, ये रहा इधर रहेगा, जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, किसका है? डुब्बी राव, डुब्बी राव, यहाँ आधा बार रहेगा, डुब्बी राव, डुब्बी सुब्बा राव, ये आरबीआई एक्स गवर्नर रह चुके हैं, डुब्बी सुब्बा राव, उन्होंने ये बुक लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पित्रोदा, ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। एक्चुअली ये इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और अमेरिका, सॉरी, इंडिया और अमेरिका में जो भी लोकतंत्र के अभी स्थिति है और संभावनाएं जो है भविष्य में, उसके बारे में जो इन्होंने इसमें लिखा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पित्रोदा। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये किसने लिखा है? रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ये जनरली नहीं पूछा जाता है, दो लेखकों का, एक ही लेखक के बारे में पूछा जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। हेवनली आइसलैंड, हेवनली आईलैंड ऑफ गोवा, हेवनली आईलैंड ऑफ गोवा कौन लिखा है भाई? पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल है, पी एस श्रीधरन पिल्लई, इनका है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ठीक। फ्रॉम कार शेड टू द कॉर्नर, फ्रॉम कार शेड टू कॉर्नर, टू द कॉर्नर, ये है एस रमन, ये सेवी के पूर्णकालिक सदस्य रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेवी के सदस्य रह चुके हैं, कौन? एस रमन, उन्होंने पुस्तक लिखा है अभी, फ्रॉम कार शेड टू द कॉर्नर, ठीक। यही रहता है, ये अप्रैल मंथ में इम्पोर्टेंट बुक एंड किताबें थी, किताब और लेखक के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आगे कुछ और भी चीज़ें लाऊंगा। और ये कैसा लग रहा है सेक्शन वाइज करंट अफेयर करने देखने में, ये भी आप हमको बताइए कमेंट के माध्यम से। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूँगा, प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक धीरे धीरे पहुँचेगा। समय लगेगा लेकिन हो सकता है, अगर चाहे तो। थैंक यू।